दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो EWS के जो सरकार के द्वारा जो राहत मिलती है वो उसको लेकर के काफ़ी अटकलें चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं मिला है। हमारे बीच में ईस्ट दिल्ली प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश जैन जी हैं। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन, सोच बदलो कुछ अच्छा ट्राई करो। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला, कब से आप लोगों को ये EWS की राहत नहीं मिल पाई? सर ये 2002 से ये जो कानून है लागू हुआ था जी, लेकिन पूरी तरह से 2010 पे हमारे ऊपर लागू हो गया, और तब से हम अपने स्कूलों में जी, चाहे वो दिल्ली के स्कूल हैं चाहे वो पूरे भारत के स्कूल हैं, सभी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों को ये बच्चे 25% अपने यहाँ पहली क्लास में या जो भी पहली क्लास होती है नर्सरी के जी जो भी है जी, उसमें 25% बच्चों का एडमिशन देना होता है, जो कि 8वीं तक हमें, अगर 8वीं तक स्कूल जी, है तो 8वीं तक जी, उन्हें हमें पढ़ाना होता जी। है। ये पहले केवल DDA लैंड के जो स्कूल होते थे, यानी जो सरकार जिन्हें DDA लैंड अनुदान में कम पैसों में देती थी उनके लिए लागू हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने ये पूरे देश पर लागू कर दिया, चाहे वो उनके अपने लैंड पे हो चाहे वो प्राइवेट लैंड पे हो चाहे वो रेंटेड बिल्डिंग हो, जो भी उनके जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन सब पे ये लागू किया गया। फिलहाल कितने साल हो गए आपको एम्बर्समेंट का जो अमाउंट है वो नहीं आपको मिल पाया? सर मैं अगर प्राइमरी स्कूलों की बात, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल रन करता हूँ, इसलिए मैं प्राइमरी स्कूल की बात बताऊँगा आपको कि लगभग 7 साल हो गए हैं जब हमें ये पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमने पैसा नहीं मांगा, हमने कई बार 7 सालों से मतलब पैसा आपको मिला ही नहीं? बिल्कुल नहीं मिला है, और किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मिला है। एक बार हमें 2 साल के पैसे मिले थे, लेकिन वो भी आधे अधूरे प्राप्त हुए थे। जी जी जी। तो ये नगर निगम प्रोवाइड करती है, दिल्ली सरकार प्रोवाइड करती है, कौन है देने वाला? मैं बड़ा ही इस मामले में ये क्लियर है कि दिल्ली सरकार देगी, लेकिन फाइलें जो हमारी MCT के स्कूलों की होती है, ये हमारे जो अधिकारी होते हैं ये दिल्ली सरकार के दिल्ली जो है जो हॉल सेक्रेटरी है वहाँ भेजी जाती हैं जी, तो वहाँ से फिर वो पैसा हमें इनके थ्रू आता है। तो क्या इन्होंने फाइलें भेजी नहीं, क्या घाल मिल क्या है पूरा? दरअसल क्या है कि ये कुछ आपस में MCD और दिल्ली सरकार के बीच में कुछ ये झालमेल है, आप समझ सकते हो, अलग अलग पार्टियों की सरकार होने पर ये खमियाजा हो गया। वहीं बात करें लगभग कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं? सारी स्कूल परेशान हैं, जितने भी MCD के स्कूल हैं जी, A to Z सारी ही परेशान हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है बड़ी ही अजीबोगरीब है जी, कि सरकार जो है आपके देखिए बिजली का बिल है, पानी का बिल है, हाउस टाइम होता बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। यदि आपको अगर आपने वो बिल नहीं दिया बिजली का बिल, तो आपका वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद बिजली कट जाएगी और आपको फाइन भी देना पड़ेगा जी जी। जबकि हमारे यहाँ ये कोई रूल ही नहीं है, आपका ऑर्डर आ जाते हैं, अधिकारी कहते हैं जी आपको एडमिशन करने हैं, हम करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या नुकसान है? बिल्कुल ठीक। हमारे तो वही गरीब बच्चे आ रहे हैं, अगर सरकार हमें कहे 100% पढ़ाओ, मैं तो 100% पढ़ाने को तैयार हूँ। दिनेश जैन जी, ऐसे में आपने किस किस के दरवाजे जाकर के खटका लिए? मैं वो कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। मैंने हमारी जो क्योंकि MCD में सबसे बड़ा पद मेयर का होता है, बिल्कुल ठीक, तो मैंने मेन मैडम से जो अंजू पहले थी अंजू कमलकांत जी थी, उनसे मैंने मुलाकात की थी विषय पर, और जिस पर उन्होंने कोई मुझे ठोस आश्वासन नहीं दिया। हाँ कहा हम देखेंगे। मैंने एजुकेशन कमेटी के हमारे चेयरमैन जी थे उनके पास भी मैं गया जी, तो वो भी कहने लगे कि ये क्योंकि दिल्ली सरकार का मामला है, हम पैसे वही दे सकती है और वही देगी, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। मैं डायरेक्टर साहब के पास भी गया, मैं हमारे जो यहाँ के AD साहब हैं उनके पास, AD साहब हमारे बहुत अच्छे हैं जी जी, उन्होंने हमें पूरी मदद की, और इस साल जो आए हैं इनके प्रयासों से अब हमारी फाइलें पहली बार जो है ली गई है सभी स्कूलों से, और मुझे उम्मीद है आगे काम वो होगा। आने वाले समय में आपको क्या नजर आ रहा है कि कुछ शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं? हाँ बिल्कुल, देखो यदि कार्य होता है, शुरू होता है तो ख़त्म भी होगा, लेकिन अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ था। ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, क्या देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में है इस समय प्राइवेट स्कूल्स? देखिए प्राइवेट स्कूल्स 2 तरह के हैं, मैं आपको बार बार कहूँगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जब हम बात करते हैं तो सब लोग एक ही तरह के स्कूलों की बात करते हैं जी, वो जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनकी बातें की जाती जी, है जी, ये जो छोटे छोटे स्कूल हैं इनको कोई पूछता ही नहीं, ना मीडिया पूछता है और ना ही जो है नेता पूछते हैं और ना ही जनता पूछती है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में आर्मी लाइन लगी हुई है एडमिशन के लिए, वहाँ एक भी सीट खाली नहीं है जी, और यहाँ हमारे स्कूलों में जो ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, बजट स्कूल्स कहलाते हैं, जो जो आम आदमी के स्कूल कहलाते हैं, तो
तो आप देखेंगे कि इन स्कूलों में आपको बच्चे नहीं हैं, एडमिशन्स ही नहीं हुए। मेरे स्कूल में पहली क्लास में कुल 2 बच्चे हैं, केवल दो बच्चे हैं। अब आप लगा लीजिए कितने बच्चे आए हमारे स्कूल में। दिनेश जैन जी, इस समय देखने में आ रहा है कि शिक्षा पद्धति में भी काफ़ी भारी परिवर्तन किया गया है, क्या आप सहमत हैं अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, अभी परिवर्तन जो हुए हैं वो पूरी तरह से मैं उन्हें देख नहीं पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ। मैं सच्ची बात तो ये कहूँगा जी, अभी ये जो ऑनलाइन सिस्टम का वो शुरू हुआ है, अच्छा जो नया ये जो ऑनलाइन का जो टेम्परेरी जो सिस्टम है जी, ये समय ये टेम्परेरी नहीं, मुझे तो लग रहा है ये आने वाले समय में परमानेंट भी होने वाला है। नहीं, ये परमानेंट नहीं हो सकता। देखिए, कोरोना बीमारी जो महामारी है, ये इसकी वजह से ये कार्य किया गया है। और एक बात समझिए कि जब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो हो रहा है ना, बिल्कुल कुछ से बच्चे तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, कम से कम बच्चों को कुछ तो काम करना पड़ता है, उन्हें कई करिकुलम मिल रहा है, उन्हें मदद मिल रही बिल्कुल है। मैं मानता हूँ ये पूरी तरह से बच्चों के लिए बढ़िया नहीं है जी, ये व्यवस्था एक पूर्णकालिक नहीं हो सकती और ना ही मतलब ऑनलाइन सिस्टम को आप सहमति नहीं दें? मैं पूरी तरह से, लेकिन ये जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ से कुछ तो होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। वहीं दिल्ली सरकार अपना ढिंडोरा पीट रही है, क्या आप सहमत हैं शिक्षा पद्धति को लेकर के? देखिए, दिल्ली सरकार जो है वो एक महान सरकार है। वो क्या वास्तव में काम कर रही है या राजनीति कर रही है? कैसे कैसे काम करती है मेरी समझ में ये नहीं आता कि यदि आप कार्य कर रहे हैं, आप सरकारी और प्राइवेट में दो अलग अलग मतलब दोनों को अलग अलग मानते हैं। अरे, दोनों आपकी ही संस्थाएँ हैं, आप दोनों को अपना मानिए। आप एक के साथ सुतेला व्यवहार करते हैं, आप सरकारी को तो अपना मानते हैं, प्राइवेट को ऐसा मानते हैं, अरे ये तो मेरे दुश्मन है। भाई, हम भी आपके ही हैं और हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। जी, जी। सरकार जो काम करती है कई अरबों रुपए खर्च करके, बिल्कुल वो हम उनका एक रुपया लगाए बगैर हम उनका वो काम करते हैं। शिक्षा वो भी दे रही है, शिक्षा हम भी दे रहे हैं। अरे, शिक्षा जो आप दे रहे हो, आपके स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई आज भी किस लेवल पे है, हमारे स्कूलों की पढ़ाई आप देखिए। जमीन आसमान आप ढिंढोरा पीटते हो कि भाई हम जो है बहुत सारी हमारे में कमियां। अरे भाई, बहुत सारी कमियां हैं, मैं मान लेता हूँ जी, हम पूरी नहीं कर सकते। हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, वो पैसे नहीं दे सकते जी, हम उनसे इतने पैसे नहीं ले सकते। हमारी टीचर्स जो हैं उन्हें हम हलवा पूरी नहीं दे रहे हैं, मानते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो दाल रोटी दे रहे हैं लेकिन, लेकिन आप अगर हम ये स्कूल बंद कर देते हैं, क्या इन बच्चों को आप पढ़ा पाओगे? क्या यही एजुकेशन आप अपने स्कूल में दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। वहाँ सब कुछ मिलता है, फ्री किताब, फ्री ड्रेस, फ्री खाना, फ्री फ्री और पता नहीं क्या 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 फ्री, लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ाई की बात करो तो वो गायब हो जाती है। क्योंकि पढ़ाई के अलावा वहाँ सब कुछ मिलता है, क्यों पेरेंट्स? देखो, आज कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप, एक बार भी आप एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, आखिर आप क्यों प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हो? दिनेश जी, वहीं बात करें, ऑनलाइन सिस्टम तो इन्होंने चालू कर दिया, लेकिन अगर हम गरीब तबके की बात करें, एक फ़ोन कैसे मैनेज कर पा रहा होंगे ये बताएं जरा। देखिए, मैं क्योंकि मैं गरीब, क्योंकि सब पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, बिल्कुल बात समझ रहा हूँ और मैं भुगतता हूँ इस बात को। आप भी ये बात जानते हैं कि मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे गरीबों के आते हैं जी, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दूध बेचता है, कोई कुछ और फल का काम है, कोई फूल लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इस तरह के हैं मेरे यहाँ पेरेंट्स, सब इस तरह के लेबर क्लास लोग हैं। और वे लोग जो हैं, मुझे पता उनमें से कईयों को तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता जी, 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 ठीक है जी। तो उनमें से माँ को तो शायद मोबाइल भी नहीं है, एक पिता के पास मोबाइल होगा, वो भी सिंपल वाला। अब वो बड़े परेशान रहते हैं जी, आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दें हम? आप अब उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है कि मम्मी या पापा में से कोई एक व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, क्योंकि बच्चों को बुलाने की परमिशन सरकार ने हमें नहीं दी है जी, जी। इसके लिए हम केवल एक टीचर या दो टीचर को अपने स्कूल में बिठाते हैं और मैं बैठता हूँ, बिल्कुल, ताकि वे पेरेंट्स जो गरीब पेरेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, उन लोगों को हम थोड़ा सा काम उन्हें कॉपी किताब में समझा देते हैं, वो घर पर जाके बेचारे करा लेते हैं। ये व्यवस्था हमने रखी है। लेकिन जो अगर हम सरकार से हम कहें तो सरकार कहीं भी हमें लिखित में किसी प्रकार की सुविधा देना नहीं चाहती। इसके अलावा मैं एक सबसे बड़ी बात कहूँगा जो शायद आपको, मैं सरकार को ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने स्कूलों में बच्चों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा कितना कामयाब हो रहा है, कितना गटर में जा रहा है, ये आपको पता होगा। कितने आज अगर किसी स्कूल के, सरकारी स्कूल के बाहर एक बैनर लगा दिया जाए कि आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाया जाएगा, कोई सुविधा नहीं दी जाएगी फालतू की, ना ड्रेस दी जाएगी, मतलब कि और कोई खर्च आपको नहीं करना, केवल आपको कॉपी लेनी, किताब लेनी है और ड्रेस लेनी है और पढ़ाई करनी है, बस केवल इतनी ही सुविधा है कि पढ़ाई हम कराएंगे फ्री में। आप यकीन मानिए, कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा,
सरकार जो कुछ भी दे रही है वो कुछ नहीं लेंगे जी जी, वो सारे बच्चे ना, कि क्या कारण है कि एक प्राइवेट स्कूल में लोग एक अट्रैक्शन है सरकारी स्कूलों की तरफ नहीं है, क्या कमियां हैं? ये कमियां जो है सरकार को जाननी चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर और सन 2020 के अंदर वही पुराना ढर्रा स्कूल का चला आ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है? देखिए, जब नई सरकार आई थी पहली बार 6 साल पहले जी, तो मुझे उम्मीद थी कि सरकार कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, क्योंकि आम जनता के स्कूल, ये जो छोटे प्राइमरी स्कूल होते हैं आम जनता के स्कूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे गरीब वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं के स्कूलों में तो पैसे वाले लोग जाते हैं, मानता हूँ मैं जी। जो हमारे एरिए में या किसी भी एरिया में प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ केवल जो सबसे लोअर तबका होता है वो आता है, वो जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वो सरकारी स्कूल से खुश नहीं है जी। ये सच्चाई है, क्योंकि आप में से कोई भी 1 रुपया कहीं खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन कब करता है? जब उसे लगता है कि नहीं भाई, मेरा बच्चा यहाँ कामयाब नहीं होगा, उसके अपने भविष्य बच्चे पेरेंट्स अपना पेट काट करके पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। कि वे लोग जो घरों में मजदूरी करते हैं, घरों में काम सफाई करते हैं, वो भी अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डाल रही है, क्यों? उस कारण होगा, बिल्कुल पेट काट काट के, सच्चाई है बिल्कुल। और बहुत मजबूर लोग होते हैं, हम देखते हैं, और इसीलिए हमारी फीस भी नहीं, जो सरकार 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में एक बच्चे पर पढ़ाती है, खर्चा करती है हमारे, वो 200-300-500 रुपये से, और बहुत ज़्यादा पढ़ा एरिया अच्छा है तो 1500 रुपये तक का, इससे ज़्यादा की फीस एक छोटे। दिनेश जैन जी, क्या आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है? बहुत एक मेन मेरा विषय है, यदि सरकार वास्तव में जनता का भला चाहती है जी, और चाहती है कि जनता अपनी मर्जी से अपनी पसंद के स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकार एक बच्चे पर लगभग 5-10 हज़ार रुपये खर्च करती है, और वो किसकी जेब से जाता है? वो जाता है हमारी जेब से जो टैक्स देते हैं जी। सरकार अपनी मर्जी से पैसे को खर्च करती है, लेकिन वो ना तो टैक्स पेयर का ध्यान रखती है, ना ही आम जनता का ध्यान रखती है, और वे लोग जो है मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ने को बाधित होते हैं, जो गरीब लोग हैं। यदि सरकार इन सारे ही बच्चों का फीस का सिस्टम ख़त्म कर दे जी, और उन्हें ब्रोशर दे, एक वाउचर कि वो जिस मर्जी स्कूल में पढ़ाना चाहे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए चाहे सरकारी में पढ़ाए, अगर आपका सरकारी स्कूल बढ़िया तो आपके स्कूल में आएंगे वो, बिल्कुल ठीक बात है ना। उन्हें पैसा किसी पेरेंट्स को नहीं मिलेगा, वो एक वाउचर मिलेगा जिसके भी बच्चे हैं, बिल्कुल, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी, क्योंकि ये जो शिक्षा का जो काम है ये सरकार का है जी, और सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है इससे बहुत कम पैसों में आप अगर ये सिस्टम लागू कर देते हैं तो आपका जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। वाउचर से क्या होगा कि एक बच्चा जिस भी स्कूल में जाएगा जी, वो वाउचर वहाँ देगा, ठीक है, वो वाउचर वो अपने स्कूल की फीस के हिसाब से, क्योंकि उसे सारा रिकॉर्ड देना पड़ता है सरकार को, वो पटक पैसे नहीं ले सकता, तो उसी हिसाब से जैसे EWS का सिस्टम है, तो EWS में क्या होता है कि पैसा जो है बच्चा एडमिशन लेता है, पैसा सरकार देती है नहीं देती है, तो प्राइवेट स्कूल वाला भी ऐसे बच्चों को लेते हुए दुखी होता है जी, और खुश नहीं होता है। यदि पैसा सरकार दे तो खुश खुशी पढ़ाएगा, यदि उसे जबरदस्ती लादा जाए, अगर वो वाउचर लॉन्च कर दिया जाए तो उससे बेनिफिट, उससे बहुत फायदा होगा। एक तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से जिस मर्जी स्कूल के अंदर, अपने घर के पास जो उसे अच्छा स्कूल लगे, और उसे स्कूल वाले को भी पता है कि वाउचर जमा करते तुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना, तो वो भी खुशी खुशी लेगा उसको, और सारे बच्चे जो वाउचर वाले होंगे तो सारा कुछ वाइट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, स्कूलों में जो भी गड़बड़ सब खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, जो गड़बड़ झाला है वो सब खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म, ठीक भाई, फिर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सारा पैसा जो है वो वही आएगा जो सरकार, क्या ये सुझाव आपने सरकार तक पहुंचा है? और एक बात और मैं बताऊं, ट्वीट के माध्यम से या फिर मैं आपको बताता हूं, मैंने ये भेजा है, कई बार भेजा है मैंने माननीय जो है शिक्षा मंत्री जी के पास, हमारे एक मित्र है मासीवी है, उनके करीबी भी, उनके थ्रू भी जुआया था, उनकी टेबल पे गया भी, लेकिन मेरे पास अब तक कुछ नहीं आया है, तो इसका मतलब सरकार ही नहीं चाहती कि कुछ भ्रष्टाचार खत्म हो। देखिए मैं एक बार बताऊँ, 6 साल पहले मैंने माननीय जो मनीष सिसोदिया जी से कुछ समस्याएं रखी थी जिस पर वो सहमत थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको जैसा बुलाऊंगा और मैं आपसे बात करूंगा, तो आज तक मैं इनके इनविटेशन का इंतजार कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गरीब स्कूल हैं आज की डेट में बहुत परेशान हैं, और सच्चाई ये है कि 70% स्कूल ऐसे ही हैं जो 500 रुपये से 1500 रुपये तक फीस लेके पढ़ा रहे हैं। यदि सरकार अपने स्कूलों के ऊपर कि मेरा स्कूल बहुत बढ़िया है इसी में बच्चे पढ़ाइए, अगर इसको छोड़ दे, क्यों 5000 से 10000 रुपये आप खर्च कर रहे हो? बिल्कुल, आप इन प्राइवेट स्कूलों को, आप उनके पेरेंट्स की फीस आप 500 से 1000-1500 रुपये आप अगर पे कर दो, 25% क्यों, आप 100% क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? बिल्कुल,
दरअसल एक बात और भी समझिए, मैं एक बहुत मुझे बहुत दुख होता है क्या कि एक बच्चे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए 2-3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं जिसमें से 50,000 बच्चों का एडमिशन होता है, क्योंकि सीटें उतनी, मतलब 2-3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, छः गुना लोग फॉर्म भरते हैं जिसमें से एक मतलब बिल्कुल 50,000% 20% जो बच्चों का, वो जो बाकी जो बच्चे रह जाते हैं क्या आपको पता है वो क्या होता है उनके साथ? बिल्कुल ठीक, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये तो मनहूस है जी, आपको नहीं पता, मैंने देखा है ये चीजें कि पेरेंट्स उनको मनहूस बताते हैं, तो आपकी व्यवस्था उन मनहूस बताते हैं, बिल्कुल ये मनहूस है, बताओ इसकी किस्मत खराब है, ये मनहूस है इसका मतलब उसका हो गया, मेरे पड़ोसी का इसका नहीं हुआ, मैंने पिछले साल भी भरा था नहीं हुआ, मतलब इतना क्रिटिसाइज किया जाए, ये भी एक गलत व्यवस्था है, बजट स्लो की नहीं होती। ये थे हमारे बीच में दिनेश जैन जी, जो कि ईस्ट दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीधे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ स्कूल्स वाले और तीसरी तरफ पेरेंट्स, सब पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार उन बच्चों का अब होगा क्या, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो चुका है, एजुकेशन में भारी परिवर्तन भी आया है। वहीं बात करें सरकारी महकमे की, धीरे धीरे सरकारी महकमा ख़त्म करने पर तुले हुए हैं केंद्र सरकार। कैमरामैन सोचना जनता को ही है, कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।